विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला के शिक्षण संस्थान में सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको कक्षा 7 के विद्यार्थी पता है, दूसरा पाठ चल रहा है हमारे नए राज्य व उनके राजा से संबंधित। तो हम कल तक पढ़ चुके थे क्या प्रणाली थी, किस प्रकार चीज़ें वो धन लूटते थे और प्रतिमाएं बनाते थे। तो कल चोल वंश के बारे में हमने पूरी डिटेल पढ़ी थी। आज हम बात करते हैं उन राजाओं की कृषि व सिंचाई के बारे में चर्चा करें। तो चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है। एक नदी है कावेरी नदी, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, उससे पहले छोटी छोटी नदियां उसकी शाखाएं बन जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिसके किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है। उथल पुथल होती है ना, कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कभी आगे जाता है पानी, कभी नीचे, तो उथल पुथल हो जाती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया करते हैं। तो इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, चावल होता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। तमिलनाडु हमारा राज्य है ना, भारत के दक्षिण में हमारा तमिलनाडु राज्य है। पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में दो फसलें उगाई जाती थी। ये चित्र एक चोल कंस्य प्रतिमा है, देखो चोल वंश की कंस्य प्रतिमा है, आप देख सकते हो, यानी कंस्य की बनी हुई है, कंसा होता है ना वैसे। और ये देख सही है, नमी तमिलनाडु में एक जल धारा, एक जल की धारा है ये। अब देखिए, कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था, कृत्रिम रूप से यानी बिना वर्षा के नहरों से की जाती थी, या तालाबों से की जाती थी, कुओं से की जाती थी। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। जैसे हमारे खेतों में पानी का बंटवारा किया जाता है ना, अलग अलग बारियां होती है, वो लगाते हैं। ज़्यादातर इन शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों के लिए इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। अब देखो, साम्राज्य का प्रशासन, प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियाँ जो उर कहलाती थी, किसानों की जो बस्तियाँ होती थी ना, उनको उर कहते थे, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था, यानी उर बहुत सारे गांव हो जाते ना, उनको क्या कहता था, नाडू। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासनिक कार्य करते थे। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। इनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, यानी 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरियार प्रधान जैसी उपाधियां थी और केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। ठीक है, ये शब्द ऐसे क्यों है, क्योंकि तमिल भाषा के अंदर थे। फिर देखिए, भूमि के प्रकार, चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। जैसे वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी, ब्राह्मण देह यानी ब्राह्मण देह ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। साला भोग क्या था, तो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि थी वो साला भोग थी। और देवदान या तिरुन मटुकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। और पल्ली चंदनम जैन संस्थानों को दी गई भूमि थी, पल्ली चंदनम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि थी। अलग अलग भूमियों के नाम थे, ध्यान रखना। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मदे प्राप्त हुआ। ठीक है, ब्राह्मणों को फ्री में भूमि देती थी राजा वगैरह।
परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मदेह की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेख में प्राय मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों से प्रकाशित कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरेरु से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। उसी प्रकार इनको भूमि दी जाती थी, इन टिकट से निकाली जाती थी। बोली अपने तो बोली लगती है ना, वहाँ टिकट दिए जाते थे। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए उत्सुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होनी चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं करवाए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन किन राज्यों में कैसा है। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोंपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया किसको कहते हैं, एक ऐसा समूह है जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते हैं। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पैसों में लगे खेती और मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोंपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारुदी पेड़ों की छाया में एक मजदूरन ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, नगाड़े बजाते ना बड़े बड़े ढोल, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में छोटे खड्डों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी सिरों वाले मुर्गों ने पो पटने से पहले तगड़े पुलियार यानी पुलाए का वचन को दिन के काम पर जाने की आग लगाते हुए बांग दी थी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलिया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती है। तांग वंश के युग का चीन, ठीक है, चीन में कौन सा वंश था, तांग वंश। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरिये आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की वह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न है, ठीक है, वहाँ नौकरशाही वंशानुगत होती थी, जो इच्छा आती थी उसे चुन लिया जाता था। आज जिसमें जो योग्यता है उसी के आधार पर चुना जाता। आइए समझिए, अब देखो यहाँ प्रश्न है आपके एक, ठीक है। तो ये है कल अपने इस पार्ट, ये पार्ट पूरा हो चुका है, दूसरा पार्ट है। कल इस दूसरे पार्ट के प्रश्न उत्तर करेंगे सारे के सारे। पहले वाले पार्ट के आपने सारे प्रश्न उत्तर कर लिए ना, अब इस पार्ट के हम सारे के सारे जितने भी प्रश्न बनते हैं ना अगले वीडियो में सारे प्रश्न करेंगे। तब तक आपको साथ साथ में इसमें पढ़ना है क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ठीक है।